बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामिन। रहीम यार खान के बाद बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जानिब। ये इचरा हमारे व्हाट्सएप हैं लाहौर से, इचरा बकरी। देखते हैं कि इनका आज क्या सवाल है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल ठीक हूँ, बकरा कुरबानी तैयार भी हो गया ना, तो बकरी का भी हर चीज का सिलसिला चल रहा रहे, एको बंडा कोई ऐसा का सीन है। मेहरबानी कर दो। दूसरा दूसरा ये दूसरा है, पहला ले लेते हैं। भट साहब तुसा पूछे है, चलो मैं उर्दू में ही बता देता हूँ। जो वंडा आपने फार्मूला पूछा है कि दोनों को एक ही तरह का कर दिया जाए तो ये बेहतरीन है। आप इस तरह करें, मकई ले लें, 10 किलो का बना देता हूँ, फिर आप आराम से बना लें। और 2 किलो मकई ले लें, चने काले ले लें कोई 3 किलो 200 ग्राम, और खल बिनोला या खल सरसों या खल तोरिया जो भी मिले आपको इजीली। और कोशिश करें, खल अगर बिनोला मिलती है तो वो आप 1.5 किलो वो डाल लें, या जो भी है खल 1.5 किलो, और चौकर गंदम ये छान बूरा जो है वो 3 किलो, और इसमें 250 ग्राम मिनरल मिक्सचर डाल लें, या DCP पाउडर या मिनरल मिक्सचर मिलता है जो भी, वो कोई 250 ग्राम, 250 ग्राम, और इसमें कोई 50 ग्राम डाल लें नमक खाने वाला, खुरदनी नमक। ये दोनों के लिए, बकरियों के लिए और बच्चों सब के लिए बेहतरीन वंडा है। वो हिसाब कदरे जुस्सा उस तरह आप देते रहें। बकरियों को, बड़ों को 400 ग्राम या 500 ग्राम डेली दें, आधा किलो, और छोटे बकरों को थोड़ा थोड़ा शुरू करें, छोटे हैं उनको 50 ग्राम से आहिस्ता आहिस्ता 100 ग्राम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। और दूसरा सवाल भी आपका लेता हूँ भट्ट साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। फी मान ला।